नगर निगम सभासद चिलकाना सुल्तानपुर मदन लाल शर्मा जनता से अपील करते हैं कि भारत देश में लगे लॉकडाउन का पालन करने के लिए नगर निगम चिलकाना सुल्तानपुर में लोगों से घर घर जाकर अपील करते हैं कि लॉकडाउन का पालन करें, घरों में ही रहे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के आदेश का पालन करें और अपने घरों में ही रहे। जनता से यही प्रार्थना करते हैं कि लॉकडाउन का उल्लंघन मत करें। सहारनपुर से हमारे संवाददाता मोहन कश्यप की रिपोर्ट है और लगातार केस बढ़ते जा रहे हैं। इस महामारी को नियंत्रित करने का जो एक ही विकल्प है वो लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग, हमें इनका पालन करना चाहिए। और इसी कारण से प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ा दिया है। मेरा सभी से ये अपील है कि हम इसका आत्मानुशासन के द्वारा सख्ती के साथ पालन करें, और यदि हम इसको पालन करते हैं तो हम कोरोना को हराने में सफल होंगे। आज कोरोना को हराने के लिए पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ रहा है और हम इस लड़ाई को जीतेंगे। और इस दिशा में उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अनेक योजनाएं गरीबों के लिए, कोई भूखा ना रहे, कोई किसी तरह से किसी अभाव में ना रहे, ये सारी चीज़ें उनका अनुपालन हमारा प्रशासनिक लोग और हमारा पुलिस प्रशासन कर रहा है। चिलकाना में हमारे चिलकाना थाना प्रभारी अमित शर्मा जो बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं, वो जहां कानून व्यवस्था को बनाए हुए हैं वहीं गरीबों और निसहायों को अनेक प्रकार से ज़रूरतमंदों की सहायता करके इस काम में अपना पुण्य अर्जित कर रहे हैं। चिलकाना क्षेत्र में दुमझेड़ा, चिलकाना का जाकिर हुसैन मोहल्ला और महेश्वरी गांव में संक्रमित पॉजिटिव केस मिले हैं, उसके बाद ये क्षेत्र बहुत सेंसिटिव हो जाता है। सारे लोग, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्तागण इसमें जनता की सेवा में लगे हुए हैं और खाने का, भोजन के पैकेटों का वितरण घर घर जरूरतमंदों को किया जा रहा है। हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने, जो हमारे कोरोना के योद्धा हैं, उनका सम्मान किया, अभिवादन करते हैं। जो बैंक के कर्मचारीगण अपने जीवन को जोखिम में डालकर, और जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी डॉक्टर अब जो आज देवदूत का काम कर रहे हैं, वो उन सब का हम अभिवादन करते हैं, उनका प्रोत्साहन करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो सब सुखी रहें और इस लड़ाई को हम एकजुटता के साथ, सभी एकजुटता के साथ।